उपाजान, मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया? बुलाया तो है बेटा एक आवामी सी जगह पे, वो एक जरूरी बात करने के तुमसे। देखो विदू, ये जो रूसा है कि मेरी बड़ी जहीन प्यारी समझदार है, इंटेलिजेंट, बड़ी सेंसिटिव बच्ची है मेरी। अब बद्दों ने, मतलब तुम्हारी पप्पो ने मुझसे मशवरा किए बगैर, मुझे इतला दिए बगैर उसका रिश्ता तय करके, अब मेरी रजामंदी के बगैर ये रिश्ता हो सकता है? बताओ तुम। नहीं 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 फूफा जान, आप गलत समझ रहे हैं। फूफो ने आपकी रजामंदी के बगैर कुछ भी नहीं तय किया। फूफो ने तो मुझसे कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को मना लूं, उनसे पहले बात करूं। और फूफो ये जानती थी कि मेरे पेरेंट्स इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, इसीलिए कुछ भी होने से पहले, उनकी रजामंदी से पहले फूफो आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स इनकार कर देते तो फूफो को आपके सामने शर्मिंदगी होती। देखो तुम बड़े जहीन है, सच्चे खरे सुलझे हुए से बच्चे हो, और मुझे तुम पसंद है रूसा की। लेकिन अब जो ज्यादती तुम्हारे वालिदैन ने की, उसके बाद तो ये रिश्ता नामुमकिन है भाई। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है फूफा जान। मैं जी हाँ, इस पूरी जायदाद का इकलौता वारिस मैं, और चले इकलौता ना सही, बीनी को अगर उसका हिस्सा दे भी दिया जाए, मेरे हिस्से में बहुत कुछ आता है, और जो कुछ मेरे पेरेंट्स ने आपको नहीं दिया वो मैं दूँ। इंशाल्लाह तो ठीक है, लेकिन आप रूसा की जॉब कर रही है तो उससे घर का खर्चा चल रहा है, तो वो चली गई तो हमारा क्या होगा? रूसा की जितनी तनख्वाह है ना, उतनी ही रकम हर माह मैं आपको दे दिया करूँ। आप मुझे अपना बेटा समझो, इनकार मत कीजिएगा, दिल टूट जाएगा। अरे मैं सबके बेटे तो तुम हो, लेकिन दामाद से अच्छा नहीं। दामाद नहीं, दामाद नहीं, सिर्फ बेटा पप्पा जान, मैं आपका सिर्फ बेटा। बड़ी खुशकिस्मत है मेरी रूसा है, तुम्हारे जैसा हीरा मिल गया उसे। मैं तो बताऊँ, इस जमाने में ऐसे दरिया दिल और सखी लोग नहीं मिलते ना। तो फिर क्या ख्याल है फूफा जान, फूफो को जाकर खुशखबरी सुना दूं? हाँ हाँ बता देना। आज ही? आज नहीं, आज अगर तुमने खुशखबरी सुनाई ना, तो ये तो बदखबरी में, मतलब बुरी खबर में बदल जाएगी। क्यों, खैरियत? हाँ वो खैरियत ही है, तुम कल आओगे ना तो वो बदो तुम्हारी फूफो तुम्हें खुद बता देगी। तुमको कोई समझता नहीं। देखो अच्छा विदू, मैं ये कह रहा था कि मोहन, मेरे दरमियान, तुम दोनों के दरमियान जो बात हुई है ना, किसी तीसरे को उसका पता लगना चाहिए है? आप बेफिक्र रहें, ये राज आपके और मेरे दरमियान है। तो मुझे फिर वो मेन बाजार उतार देना जरा। यार ये कमीज बहुत अच्छी तुम्हारी है। मैं चलूं? हाँ हाँ, अरे बाबा छोड़ो यार, मैं हाँ रख कर लें। अम्मी आपको अब्बू की इजाजत के बगैर वलीद के साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था। आप जानती हैं कि अब्बू आपसे पहले ही नाराज हैं कि आपने मुझे जॉब की इजाजत नहीं दी। हालांकि ये तो आपकी मेरी हमारी ख्वाहिश भी तो थी। इस घर के दोनों मर्द सारा सारा दिन अय्याशी करते फिरे, सबसे छोटी सबका बोझ उठाएगी। जानती हो क्यों मुखालफत की है मैंने? भाप लिया था सलीम की नजरों का वो लालची पान। क्या सोचती हो, कुछ दिन नौकरी करोगी और छोड़ दोगी बस? क्या मतलब है आपका? अगर एक दफा तुम इस कमाई के चक्कर में पड़ गई ना कि घर चला लोगी, कोई एंड नहीं है इसका, फिर सारी जिंदगी यही करती रहोगी, अपना आप भी भूल जाओगी जैसे कि मैं भूल गई हूँ। तमाम जिंदगी समझती हो, और तुम्हारा बाप तो इस कदर लालची शख्स है कि शायद तुम्हारी शादी भी नहीं होने देगा रूसा। फिर क्या हो गया अम्मी, आप बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको खच्चा है।
अल्लाह करे ये सारी बातें, ये सारे वहम खच्चे साबित। Assalamualaikum. Hello, Zoya, वलीद बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपकी और रोसा से बात हुई? नहीं, मगर पुपा जान से बात हो गई है। In fact, मैं अभी उनसे ही मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो तो मान गए। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि वो कैसे मान गए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुखालिफ वही थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा मशवरा काम आ गया। गुड, ये तो खुशखबरी है। और बहुत दिन बाद कोई अच्छी खबर उरूसा की सारी टेंशन दूर कर देगी। अरे बाबा, खुशखबरी तो तब मिलेगी ना जब वो फोन अटेंड करेगी। मैं आपकी एक हेल्प कर सकती हूँ कि आपके साथ उरूसा के घर चलूँ? अरे फाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके, कब चलना है? कल चलेंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? एक्चुअली पता नहीं क्यों पप्पा जान ने कहा था कि आज घर ना जाना, क्योंकि तुम्हारी खुशखबरी बुरी खबर में बदल जाएगी। बुरी खबर में? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? I don't know. मैंने भी exactly यही पूछा था। कहने लगे कि जब कल अपनी पप्पा के पास जाओगे तो खुद बता देंगे। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू। ज़हीर, क्या हुआ ज़हीर? आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हट रहा है, ठीक है तबीयत मेरी, कुछ नहीं हुआ मुझे। इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है, ये तुम पूछ रही हो? अच्छा, अगर आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, इस कसूर में आपका भी हिस्सा है। सही कहा तुमने, मैं हिस्सेदार हूँ, लेकिन इस हद तक कि मैंने एक बेटी पर, बल्कि उससे बढ़कर एक माँ पे भरोसा किया, एतबार किया। अरे ये तक नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन साथ है, कब आओगे। हालांकि ये सब कुछ मुझे पूछना चाहिए था, एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज था ये सब। लेकिन मैं तो गलतफहमी में रहा कि तुम एक बाखबर जिम्मेदार और औलाद पे निगाह रखने वाली माँ। ठीक नहीं कर रहे, मुझे जिम्मेदार ठहरा कर आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ? अगर कारोबार में घाटा होता है ना तो नुकसान पूरा करने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ तो इज्जत दांव पे लगी हुई है। मैं कह रही हूँ ना, मैं सब कुछ संभालूंगी, आप फिक्र ना करें। हटो यहाँ से पीछे, सब कुछ हो गया कह रही, फिक्र ना करें। बहराम बेटा, सबा की कॉल आई थी। फिर ये कि अभी तो मैंने उसको कह दिया कि मैं एक महीने के लिए दुबई जा रही हूँ। आप बहाना क्यों बना रही हैं? साफ साफ इनकार कर दें। देखिए, जब उनसे रिश्ता रखना ही नहीं तो फिर लिहाज कैसा? इतनी बदलिहाजी भी तो अच्छी बात नहीं है ना बेटा। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे उनसे। अब मैं आंखें माथे पे तो नहीं रख सकती ना। अभी उसको कह दिया है कि मैं दुबई जा रही हूँ,
एक महीना है मेरे पास, कोई ना कोई बहाना सोच लूंगी, या फिर हो सकता है तुम्हारे इरादे बदल जाए। फिर बहाना? साफ जवाब दे दे मामा, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का मत सोचे। मैंने कह दिया मैं ये शादी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम अगर मुझे सही बात बता दो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये देखिए, मुझे बताइए कोई भी गैरतमंद शख्स ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाने का सोच सकता है? घर तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, 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 बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू। दिखाओ मुझे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना। चल। कहाँ? कमरा देख के आती हूँ ना, उरुसा भी बहुत तारीफें कर रही थी, तो अंकल से केस की बात कर लो ना तब तक। बेटा फाइल ले आ। जी अंकल, सारी डिटेल्स हैं इसमें। आओ आओ। बैठो बैठो। जी। अच्छा अंकल, ये जितनी भी इनिशियल डिटेल्स हैं केस से रिलेटेड वो सब इसमें हैं, जो अब आप अपनी टीम के साथ इस पे गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ पाएंगे। हाँ मैं देख लेता हूँ। केस तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अम्मी ये क्या कर दिया, भाभी को जोया का रिश्ता लेने के लिए भेज दिया। आज तक मैंने जोया से ऐसी कोई बात नहीं की, फिर भी अब ना जाने भाभी वहां पे क्या कहें। अच्छा, भाभी तो कह रही थी कि तुम जोया को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो उससे। आप में भी ना जरा सी अक्कल नहीं है, हर वक्त नन्नी मुन्नी बच्ची बनी रहती है, कभी मौका महल देखकर भी बात कर लिया करें। मेरी बातें कितनी बुरी लग रही है ना, और अपनी सगी से तुम सारी राजदारी की बातें कर लेते, तब कुछ नहीं होता। आप ही प्लीज, आपको तो मौका चाहिए होता है भाभी के खिलाफ बात करने का, बस। देख लो अम्मा, जादूगरनी का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। मोहसिन भाई तो गए थे तुम्हारे हाथ से, अब ये भी गया। अम्मी यहाँ ना बात करना बिल्कुल फजूल है, जा रहा हूं मैं। अरे क्या जरूरत थी इस तरह से बात करने की, जबान बंद नहीं रख सकती थी अपनी? इतनी जरूरी बात करनी थी मुझे उससे, अब देखो नाराज होकर चला गया। अब जाऊं उसे मनाने के लिए। कभी ना अपनी जबान को तालू से भी लगा लिया करो। अच्छा, जोया को बहू नहीं बनाना, अगर बनाना है ना तो जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ देखती रहो, मनाने की जरूरत नहीं है किसी को। आइए, ये है मेरा रूम। अरे वाह, तुम्हारा कमरा तो बहुत ही प्यारा है, हमारे घर में ना ऐसा एक भी कमरा नहीं है तुम्हारे शायान निशान। जी मतलब कुछ नहीं, ये बताओ कि वो रूसा ने बात की तुमसे बिलाल के रिश्ते की? हाँ जिक्र किया था उसने मुझसे। तो फिर क्या सोचा तुमने
मैंने तो ना अम्मा जी के कानों में ये बात डाल दी थी रिश्ते की। हाँ आप ही मुझसे पूछे बगैर? बिलाल के ना बहुत रिश्ते आ रहे हैं और अम्मा जी तो तैयार बैठी हैं। वो तो मैंने उन्हें कहा कि आप रुक जाएं जरा, मैं जोया से बात करती हूँ, वो मेरी सारी बातें सुनती है। लेकिन भाभी मैंने तो अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में कोई बात ही नहीं की है। हाँ तो आप कर लो ना, तुम उनकी इकलौती औलाद हो, तुम्हारी बात रद्द नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैं तुम्हें अलहदा से कमरे में ले आई कि तुमसे जरा तसल्ली से बात कर सकूं। तो बताओ कब रिश्ता लेके आई? लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरे एग्जाम्स होंगे, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा। और वैसे भी काफी टाइम से आपके देवर साहब से मेरी कोई बातचीत नहीं है, क्या उसे मालूम है आप मुझसे ये बात करने आई? वो भला ये कैसी बात की तुमने, मैं उसकी मर्जी के बगैर कोई बात कर सकती हूँ? वो ना बड़ा ही शर्मीला है, मेरा मतलब है संजीदा है, बिल्कुल भी लोफर लपाड़ा नहीं है ना ही छिचोरा। हमारे घर में एक वाहिद बंदा है, बल्कि यूं समझ लो कि हमारे तो खानदान में वाहिद बंदा है जो अपनाए जाने के काबिल है, हीरा है हीरा। देख लें आप बहुत बड़ा दावा कर रही हैं। अच्छा मुझे तो लगा मैंने अभी उसके मयार के मुताबिक तुमसे कोई बात ही नहीं की। एक आखिरी बात करूंगी, अगर जिंदगी में उसने किसी की ख्वाहिश की है ना तो वो तुम, और वो तुम्हें खुश भी बहुत रखेगा। वैसे जितना आप कह रही हैं उतना ना सही, लेकिन किसी हद तक मैं भी बिलाल को जान सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी, जितनी हिमायत आप कर रही हैं अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ हाँ तुम मेरा गला दबोच लेना, ससुराल में ना मैं तुम्हें अपनी बहन बना के रखूंगी, तुम्हें कोई तकलीफ और परेशानी होगी ना तो साइमा को भी होगी। फिकर क्यों करती हो, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी वहां पे। वैसे आप ही मुझे अपने सारे फैसले खुद करने का इख्तियार भी है और आजादी भी, और शायद मेरा भी यही फैसला होता। लेकिन जितने प्यार और खुलूस से आकर आपने मुझसे ये सारी बातें की हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हैं। अच्छा तो मैं तुम्हारी रजामंदी समझूं फिर, मैं अभी रूसा को जाके बताती हूँ। अरे इसके साथ साथ ना आप उसे दूसरी खुशखबरी भी दे दीजिएगा, वैसे तो मैंने सोचा था मैं खुद ही बताऊं लेकिन मेरा फोन ही नहीं अटेंड कर रही। कौन सी खुशखबरी? मेरी वलीद भाई से ना फोन पर बात हुई थी, कल सुबह वो आपके घर आएंगे और साथ मैं भी आऊंगी। वलीद भाई के पेरेंट्स और आपके अब्बू मान गए हैं। किस लिए? अरे वलीद भाई और उरूसा की शादी के लिए। अच्छा एक मिनट, क्या मतलब अभी इस वक्त? अरे हम कल सुबह चले जाएंगे। मोहसिन मुझे अम्मी की तरफ जाना है अभी इसी वक्त। मतलब कभी भी कुछ भी तुम्हारा दिल चाह जाता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों यार, मतलब कैसे, मतलब अभी हम कैसे जा सकते हैं? तुम क्यों इतनी जज्बाती हो यार, प्लीज यार अभी नहीं। देखो मोहसिन तुम्हें नहीं जाना तुम मत जाओ, तुम ऐसा करो यहाँ पे गाड़ी रोको, मैं खुद ही चली जाऊंगी, रोको गाड़ी यहाँ पे, जल्दी करो। अच्छा 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 जज्बाती ना हो, ले जा रहा हूँ, बोझ से काम लो। ओके ये देखो तुम्हारे घर की तरफ ही जाता है ना रोड, ये जा रहा हूँ सीधा। अच्छा जब चलो थैंक यू तो कह दो। हद है मोहसिन, ग्लास रखो तो थैंक यू बोलो, कप रखो तो थैंक यू बोलो, कभी ये चोंचले छोड़ भी दिया करो। वैसे भी ना आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझसे बात ना करो, ये ना हो कि सारा गुस्सा तुम पे निकल जाए। अच्छा सॉरी यार। मुझे तो ना इस घर में गैर समझा जाता है, अब इस घर की बातें मुझे लोगों से पता चलेंगी। हफ्ता 10 दिन में इस घर में नहीं आई, आप लोगों ने कहा बस अच्छा हो गया मर गई कमबख्त खसकम जहां पाक। अल्लाह ना करे साइमा, क्या ऑल फॉल बोले चली जा रही हो, कौन सी ऐसी खुशी की खबर थी जो मैं तुम्हें बताती कि तुम आ जाओ आकर भंगड़ा डालो यहाँ पे। अच्छा और वो जो जोया ने बताया मुझे रिश्ते वाली बात? क्या बताया है जोया ने, जो बातें तुम कर रही हो ना उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो आपकी तबीयत खराब हो गई, रूसा ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, सब कुछ साफ जाहिर है अम्मी, बस मुझसे ही सब कुछ छुपाया जा रहा है, बाकी तो पूरी दुनिया को ना सब कुछ पता है।
अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाकर अपने अब्बू से पूछ लो, उनकी बात पर तो यकीन आता है ना तुमको, जाओ जाकर उनसे पूछ लो क्या हुआ था। हाँ हाँ अब्बू से ही पूछूंगी, आप तो छुपाती हैं मुझसे बातें, मुझे कुछ नहीं बताती। साइमा कहाँ है अब्बू? आंटी आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, मोहब्बत करती है आपसे। अच्छा खैर छोड़े इन बातों को, आपको मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कैसी खैरों वाली बातें कर रही हैं आप, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपके लिए शहजाद जैसे ही हूँ। ये तो आपने कमाल ही कर दिया अपू, ये बात तो मैंने सोची नहीं थी, वलीद से शादी का मतलब है कि जायदाद में हिस्सा। नहीं नहीं हिस्से से ज्यादा ही जायदाद मिलेगी। अरे ऐसा बोलो, अरे यही सोच के तो मैं मान गया, वरना जज्बात में आकर मैं तो तुम्हारी माँ को एक दो हाथ लगा दिया, वो तो वलीद की बातों ने मुझे अक्कल सिखा दी। वो तो आपने ठीक किया, ऐसे मैं सोच रही थी कि अगर महाना खर्चा भी मिलता रहे तो क्या बुराई है। अरे आहिस्ता तो बोलो, देखो ये जो बात है ये तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं रहनी चाहिए, किसको पता नहीं लगे। अच्छा वो कैसी बातें करें, आपकी बातें तो मेरे दिल में दफन है। अरे तो आहिस्ता दफन करो ना। आज तक आपकी बात किसी को बताई है मैंने? पर एक बात है अबू, अगर आपने मेरे हिस्से में डंडी मारी ना तो मैं बहुत बुरी बन जाऊंगी। लाल जी कही थी बिल्कुल भाप पे गई है, डंडी मारो। सुनो ऐसा करो जाके ना अपनी माँ से जरा माफी मांगो और उसको तसल्ली दो, है परफॉर्मेंस अच्छी देनी है शाबाश, और आहिस्ता बोला करो। अम्मी 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 मुझे माफ कर दें, मुझे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा। आपी कोई नई बात नहीं है, तुमने अम्मी को हमेशा गलत ही समझा। अम्मी अम्मी आप भी तो कुछ बोले ना प्लीज अम्मी। साइमा काफी देर हो गई है, तुम घर जाओ, मेरे ख्याल में मोहसिन को परेशानी होगी। नहीं 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 मैं घर नहीं जा रही, मैं यही रहूंगी अम्मी आपके पास, आपकी तबीयत खराब है, आपका ख्याल कौन रखेगा, रूसा कैसे अकेली ख्याल रखेगी, है ना मुझसे। तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी का ख्याल रख लूंगी, तुम घर जाओ। तुम तो यही चाहती हो ना कि अम्मी की तीमारदारी का सारा क्रेडिट तुम ले लो। हाँ ठीक है, मतलब हो गई बदतमीजी, पहले की बात और थी, मगर मैं यही रहूंगी अम्मी के पास। हाँ चलिए तो बहुत अच्छी बात, तुम्हें आंटी की कदर हो गई। तुम यहाँ रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कॉल कर देना जब वापस आना। चले मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए आंटी। अच्छा बेटा मैं छोड़ के आती हूँ। डैड मेरी वजह से बीमार नहीं है, वो अपनी जिद अपनी अना की वजह से इस हाल को पहुंचे। वो उस लड़की को इस घर में लेकर आ रहे जो हमें से किसी को नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद, लेकिन भाई की जिद है ना हो रही है पूरी। फिर आप लोगों को मेरी जिद और मेरी ख्वाहिश पूरी करने में क्या तकलीफ होती है? शायद हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं बेटा, सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। नहीं मॉम बेहतरी नहीं चाहते, बात सिर्फ इतनी है वो बेटा है और मैं बेटी हूँ। गलत बात करी और अच्छी तरह से जानती हूँ, हमने हमेशा तुम्हारे लाड ज्यादा उठाए बेटा। नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता ना तो मेरी बात पर इतना तमाशा ना हो जाता। कयामत आ गई कि मैंने राहिल से शादी की बात कर दी। मॉम एक बात याद रखिएगा, अगर भाई अपनी पसंद की शादी करेंगे तो मैं भी अपनी पसंद की शादी करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है, अब मैं ये रिपीट नहीं करूंगी।
आप ही, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जोया चाहेगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आप ही देखो, बिलाल को अभी जोया के हवाले से बहुत से मामलों पे अश्योरिटी देना होगी, क्योंकि जोया तुम्हारे घर के माहौल और उस घर में बिल्कुल अनफिट है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोशिशों का नतीजा उल्टा निकल आए। अरे रहने दो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मोहब्बत का मामला है, तुम नहीं समझोगी। वो सुना है ना तुमने कि किसी ने महल छोड़कर झोपड़े को अपना मस्कन बना लिया, तो किसी ने तख्त ताज को छोड़ के जंगलों में पनाह ले ली। मोहब्बत की करामात है, तुम नहीं समझोगी। देख लो, हमारे तो अपने घर में इतनी मिसालें मौजूद हैं। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला सिर्फ एक ही मंत्र है, इश्क का मंत्र। मान गई, मोहब्बत ने तुम्हें फलसफा सिखा दिया, लेकिन आप इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन नहीं है। देख लो, तुम अभी भी जल्दबाजी कर रही हो। बिलाल के बहुत रिश्ते आ रहे हैं आजकल, और मेरी सास के डिमांड्स और ताने बहुत ठंडे पड़ गए आजकल, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं नाराज हो गई तो ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, और मैं इस बात का पूरा फायदा उठाऊंगी। आप भी जिस रिश्ते में खुदगर्जी और लालच शामिल हो, वो रिश्ता कभी पायदार नहीं हो सकता, और जो रिश्ता ना पायदार हो उससे कब तक फायदा उठाया जा सकता है? ओ बीबी, कौन सी दुनिया में जिंदा हो तुम? ये किताबी फलसफा ना सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है, और वैसे भी जोया मेरे लिए सिर्फ एक ATM कार्ड ही समझो तुम बस। जोया इतनी भी आसान नहीं जितना तुम उसे समझ रही हो। जो भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम उसको शादी के लिए मनाओ। वैसे तो वो मानी हुई है। हाँ, आपने उसका अच्छा वाला रूप ही देखा है अब तक। डराओ तो मत, वैसे भी आज मुझे दो दो खुशखबरियां मिली हैं और मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी कौन सी? उधर वलीद की अम्मी अबू मान गए, इधर हमारे, और कल जब वो आएगा ना तो कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। ये ना हो कि अब्बू नाराज हो जाए तुमसे, समझ रही हो ना? और अम्मी, अगर अम्मी नहीं मानी तो पूरी दुनिया भी हाँ कर दे, मैं भी हाँ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी और अम्मी की ना कभी भी समझ में नहीं आती, तुम और अम्मी हमेशा सिर्फ वही क्यों देखते हो जो नजर आता है? जरा गौर कर, जब ये रिश्ता हो जाएगा तो अम्मी की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी अब्बू की नजर में। तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो, जो मैके के वो ताने हमेशा सहती रही हैं अब्बू से, वो खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ, जरा सोचना इस बारे में। और हाँ, कल वलीद आ जाएगा तो अच्छे से तैयार हो जाना, ज़हनी तौर पर भी, समझ रही हो? अस्सलामुअलैकुम पप्पो। वालेकुम सलाम पप्पो। मैं जानता हूँ कि आपने कहा था मैं जब भी यहाँ हूँ अपने मामा और पापा को साथ लेकर आऊंगा। मैं फ्राइडे को उन्हें साथ लेकर आऊंगा, लेकिन बस अभी आपको खुशखबरी सुनाना चाहता था। बस वाली, अब एक लफ्ज भी मुंह से ना निकाल। क्यों पप्पो, मैंने क्या किया? क्या किया? तुमने जो करना था वो कर दिया, अब भी कुछ करना बाकी है वलीद। आंटी, क्या मैं कुछ एक्सप्लेन करूं? बस, अगर तुम कोई हिमायत करने वाली हो तो एक लफ्ज भी ना कहना। अभी तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर। पप्पा जान, मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्यों क्यों भाई, मैं सरबरा हूँ घर का, हेड ऑफ द फैमिली हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो अंदर। अब रूसा, अपनी सहेली को अंदर लेके जाओ, जाओ शाबाश। तो पापा जान, मैं फ्राइडे को मामा और पापा को साथ लेकर आने ही वाला था, बस अभी पप्पो को खुशखबरी सुनाने आया था, लेकिन आप यकीन करें अगर पप्पो इजाजत नहीं देंगे तो मैं कसम खाता हूँ मैं इस घर की दहलीज दोबारा पार नहीं करूँगा।
इजाजत दो इसको वरना वरना क्या उन तलाक दे के तुम्हें और उषा को निकाल के बाहर करूंगा और तुम्हें पता है जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ मामले की संगीनी को समझो अरे विदू वलीद बेटा बात तो सुनो साहब तुम या आंटी अगर वलीद भाई का फोन अटेंड कर लेते तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी अंकल से बात करने की देखा जाए तो वलीद भाई का कोई कसूर नहीं है रूसा वो बाहर खड़े हैं और वो आंटी की इजाजत के बगैर अंदर नहीं आएंगे और फिर तुम तो अपने अब्बू की नेचर से वाकिफ हो ना झगड़े को मजीद मत बढ़ाओ प्लीज उन्हें अंदर बुला लो फोप नहीं आएगा आंटी चला गया क्या बताएं जमाने को टूटे दिल का फसाना बेवफा से दिल लगाया उसने ही ना पहचाना हेलो कहाँ पहुंचे हैं आप काफी दूर आ गया हूँ इतना दूर की वापसी नामुमकिन है इतनी दूर तो मैं कभी भी नहीं जा सकता मतलब वापसी हो सकती है हो सकती है मगर पप्पू के लिए बात करें हेलो वलीद बेटा तुम आ जाओ आई एम सॉरी मैं गुस्से में थी आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है पप्पू मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वलीद मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था लेकिन मुझे जोया ने सब कुछ बता दिया है और मुझे हंसी भी आ रही थी खुशी भी हो रही थी तुम्हारी ताबेदारी पर कैसे तुम चुपचाप सब कुछ सुनकर चले भी गए खामोशी से ठीक है पप्पू आ जाता हूँ मगर एक शर्त शर्त कैसी शर्त मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा मैं जानती हूँ वलीद तुम मेरी ही बात का मान रख रहे हो मत आना बेटा बस सिर्फ दरवाजे तक आ जाओ प्यार लेकर चले जाना ठीक है आता हूँ ठीक है बहुत शुक्रिया अगर तुम मुझे ना समझाती तो मैं वलीद के मामले में खुद को कभी माफ ना कर पाती आंटी आप फिक्र मत करें इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा चलो तुम लोग बैठो मैं चाय लेकर आती तो खुश हो जाओ जी जी मिसेस अकरम आपने बिल्कुल ठीक सुना था मेरा पूरा इरादा था विनेश को अपनी बहू बनाने का लेकिन बहराम ने इनकार कर दिया तो फिर मैं भी पीछे हट गई
जी जी, वो अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, अब मैं उसे मजबूर तो नहीं कर सकती ना। जी जी, मिसेस अकरम, डोंट माइंड, मैं आपको बाद में कॉल करूं, एक्चुअली मेरी सिस्टर की कॉल आ रही है दुबई से। जी 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 जी, मैं जरूर करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। सवालों के मैं क्या जवाब दूं, लेकिन सबा से सवाल जरूर करूंगी, उसने मुझे इतने बड़े धोखे में क्यों रखा। अरे साइमा, वो क्या नाम था रूसा की दोस्त का, दिमाग से निकल गया। जोया अम्मी। हाँ जोया। अरे उसके घर नहीं जाना क्या दोबारा? अम्मी मैंने तो बिलाल को एक हफ्ते से बोला हुआ है, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं है, आज भी लेट आएगा। तो तुम ऐसा करो ना, मोहसिन के साथ चली जाओ, जाके बात तो बढ़ाओ ना आगे। जी अम्मी, मोहसिन आता है आज तो उससे बात करती हूँ, वैसे भी अपने केस के मुतालिक भी तो अंकल से बात करनी है जाके आज। लगता है तुम लोगों का केस जो है ना सारी उम्र चलने वाला है, हाथ कुछ नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं अम्मी, एक दफा केस का फैसला आ जाए फिर तो पैसे ही पैसे। लाखों मिलेंगे। अरे कुछ नहीं होगा उस केस का, तुम देख लेना ऐसे कैसे हाथ मलते रह जाओगे, बल्कि हाथ तो हम लोगों के साथ हुआ है भाई, हमारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। नहीं नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, वो जोया के जो अब्बू है ना बहुत ही पढ़े लिखे और लाइक फाइक वकील है, हमारा केस भी मुफ्त लड़ा है, हमसे तो उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, हमारी तो उनसे घर वाली बात है ना, बल्कि ये समझे कि एक ही घर है, इतने अच्छे तालुकात। अच्छे तालुकात से केस जीते नहीं जाते, अच्छे पैसे लगाओ तो केस जीते जाते हैं, इतनी अकल तो मुझ में भी है, इतना तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा खैर छोड़ो, रहने दो इन बातों को, जाओ जाके बात तो करो हाँ, कि कुछ तो आए पल्ले, ऐसा ना हो कि फिर हम लोग बैठ जाएं ऐसे कैसे, कुछ ना आए हमारे हाथ। जी अम्मी। लो ठीक से किए ना? जी।